तो ये रही प्रोजेक्टर के अंदर लगी हुई स्क्रीन। अभी स्क्रीन कैसी है ये तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, कैसे काम करती है पूरी डिटेल्स यहां बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप पूरा प्रोसेस समझ पाए कि प्रोजेक्टर के अंदर ये स्क्रीन किस तरह काम करती है। आप देख रहे हैं BR टेक फिल्म्स। अमेजिंग टेक वीडियोस पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। BR टेक फिल्म्स आपका स्वागत है। और वैसे तो देखिए हर प्रोजेक्टर के अंदर का हिसाब किताब अलग होता है। किसी के अंदर पूरी स्क्रीन जो है वो बिल्ट इन होती है, यानी कि पूरी बनाई बनाई होती है, किसी के अंदर टुकड़ों में होती है। तो ये रहा अब हमारा टूल। अब करते हैं इस प्रोजेक्टर को फटाफट से खोलते हैं और दिखाएंगे इस प्रोजेक्टर के अंदर क्या क्या है। तो प्रोजेक्टर की बॉडी ओपन करने के लिए कॉर्नर्स वाले स्क्रू खोलने हैं, लेकिन ये वाले स्क्रू भी मुझे बाद में खोलने पड़ेंगे, इसलिए मैं इनको भी पहले साथ में ही जो है ओपन कर रहा हूँ। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे नीचे इस वाले प्रोजेक्टर में एक अलग से स्पेस दे रखी है, जहाँ पे हमको कुछ अंदर लेंस देखने को मिल रहा है, कुछ ग्लास देखने को मिल रहा है। अभी कॉर्नर वाले जो स्क्रूज हैं इनको भी मैं खोलूंगा और ये वाला एरिया मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। इस तरह से इस प्रोजेक्टर में हर प्रोजेक्टर का हिसाब किताब अलग होता है, जैसे मैंने बता दिया है। तो अभी हम इस प्रोजेक्टर की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्टर की बॉडी ओपन करने के लिए ये वाले 5 स्क्रूज होंगे जो साइड्स में दे रखे हैं, बिल्कुल कॉर्नर्स में। तो इनको भी मैं फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। और एक स्क्रू यहाँ पे छिपा हुआ है। तो इस तरह से मैंने इस प्रोजेक्टर की बॉडी को कर दिया है ओपन। अब इसको खोल देते हैं और इसके अंदर हमें सबसे पहले जो यहाँ पे ये वायर है, जो ऊपर बटन्स वाली जो सर्किट है उसकी वायर है, तो इसको सबसे पहले मुझे रिमूव करना होगा। उसके बाद ही जो है मैं PCB और लेंस लैंप सब चीज़ों को रिमूव करके आपको एक एक करके दिखाऊंगा। तो इसको कर दिया है मैंने यहाँ पे रिमूव। तो इस तरह से अब यहाँ पे जो है ये वाली जो वायर है ये इसकी स्क्रीन की है, जो इसके अंदर लगी हुई है। और यहाँ पे जो भी है मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि हर प्रोजेक्टर के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी वायर्स को जो है डिस्कनेक्ट कर दिया है। और अब तो ऊपर फैन की वायर को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, स्क्रीन की वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया है। और अब यहाँ पे जो ये वाला लेंस है इसके ऊपर यहाँ पे एक प्लास्टिक का कवर दे रखा है, तो इसको भी मैं अब फटाफट से रिमूव कर लेता हूँ। इसके स्क्रूज़ को हटा लेता हूँ। इसमें 4 स्क्रूज़ हैं, 2 ये रहे और 2 कॉर्नर्स में है। तो इसको भी मैंने जो है हटा लिया है इन स्क्रूज़ को ईजिली। और ये वाले स्क्रूज़ मैंने पहले ही ओपन कर लिए थे, तो इसको ऊपर से हम हटा देते हैं। तो अभी तक हम 2 चीज़ों को जो है हटा चुके हैं, ऊपर की केसिंग को और ये वाले प्लास्टिक केसिंग को। तो ये है की स्टोन करेक्शन वाली की, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे फिर से बताऊंगा। तो ये देखिए नीचे से भी दिख रही है। तो ये की स्टोन करेक्शन वाला जो है यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है, और ये मेन लेंस है जिससे फोकस होता है आपकी वॉल पे या प्रोजेक्टर स्क्रीन से। तो ये वायर्स मैं हटा चुका हूँ, PCB को हटाते हैं। PCB को हटाने के लिए भी यहाँ पे कुछ स्क्रूज़ दे रखे हैं, जिन्हें मैं फटाफट से जो है ओपन कर लेता हूँ। और PCB के अंदर ही हमारे सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स जो हैं वो पहले से फिक्स हैं, जैसे कि VGA, HDMI, AV का पोर्ट और उसके बाद 3.5mm वाला पोर्ट, वो सारे ही पोर्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी जो है PCB में अटैच हैं। तो मेन यूनिट हमारी PCB की ये है। इसके अलावा यहाँ पर जो है राइट साइड में आप ऊपर की तरफ देखिए कॉर्नर में जो एक और यूनिट लगी हुई है वो है इसकी पावर सप्लाई। तो यहाँ पर ये रही इसकी मेन PCB, तो इसमें हैं सारे पोर्ट्स। अभी इसको भी मैं फिलहाल में साइड में कर देता हूं। और अब ये रही हमारी स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर प्रोजेक्टर का हिसाब किताब अलग होता है, कुछ प्रोजेक्टर्स में स्क्रीन जो है पूरी जुड़ी हुई होती है, इसमें यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स में है। और यहाँ पे भी एक कवर दे रखा है लैंप के ऊपर, तो इस प्लास्टिक के कवर को भी मेरे को रिमूव करना होगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि अंदर कितने लेंस लगे हैं, कितने ग्लास लगे हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। और सिंपल प्रोसेस है यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के अंदर में, यहाँ पे कोई बड़े बहुत तगड़ा प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में स्पीकर की वायर भी है, उसे भी मैंने हटा दिया है। ये है हमारी मेन स्क्रीन, तो ये स्क्रीन है ये देखिए। और इसके पीछे लगा है एक मैग्नीफाइंग ग्लास, और उसके पीछे एक और ग्लास लगा है, वो भी अभी आपको मैं निकाल के दिखाऊँगा। सबसे पीछे लगा है हमारा लैम्प, और ये एरिया है कूलिंग के लिए, और ये लगा है फ़ैन। अगर फ़ैन नहीं होगा किसी भी प्रोजेक्टर में, अगर फ़ैन काम नहीं करेगा तो प्रोजेक्टर एकदम से हीट हो जाता है और प्रोजेक्टर बंद हो जाता है। तो फ़ैन अगर हटा के मैं इसे चलाऊंगा तो डेफिनेटली ये बंद होगा और ख़राब भी हो सकता है। ये पार्ट्स मैंने सारे बाहर निकाल दिए, और मैं एक बार आपको फिर से इनकी लेयर्स दिखा दूंगा कि किन किन लेयर्स में किस तरह से ये असेंबल किए गए थे। तो ये देखिए यहाँ पर ये लैंप वाला एरिया है, ये देखिए लैंप के आगे ये लगता है। तो ये रहा देखिए यहाँ से एक तरीके से जो लैंप की लाइट है वो इसमें से निकलती है, उस स्क्रीन के थ्रू पास होती है उस पैनल पे, उसके बाद उस स्क्रीन पे जो है आपकी पिक्चर आ जाती है। तो यहाँ देखिए
उसके अलावा ये देखिए, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है जो हमारे लैंप के आगे लगता है सबसे पहले, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। कुछ प्रोजेक्टर्स में ये स्क्रीन पूरी बनी बनाई होती है, तो बनी बनाई होती है, अलग अलग पार्ट्स में नहीं होती, लेकिन यहाँ पर टुकड़ों में दे रखी है। उसके आगे में जैसे ये सबसे पीछे ये देखिए, ये लैंप है, लैंप के आगे वो था जो मैंने अभी निकाला, और उसके आगे में एक और ब्लैक कलर का जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास दिया हुआ है, उसके आगे लगी हुई है स्क्रीन। तो ये है वो ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट ग्लास लगेगा इस वाले लैंप के, इस वाली स्क्रीन जो हम बनाएंगे, इस मैग्नीफाइंग स्क्रीन को इसके आगे, और इसके आगे लगेगी हमारी मेन स्क्रीन जो उसकी वायर जो है पीसीबी में लगती है, ये देखिए। तो ये इस लेयर में जो है यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग लेयर्स में यहाँ पे दे रखा है। फिर से जैसे बता रहा हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें ये पूरा कम्बाइंड होता है, तो सिंपल पूरा कम्बाइंड होता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक और ये 4D करेक्शन वाला यहाँ पे ग्लास दे रखा है, जो कि अगेन एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। और लास्ट में यहाँ पे पीछे एक मिरर दे रखा है। मिरर का रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि मिरर क्यों इसमें दिया हुआ है मेन लेंस से पहले। तो इस प्रोजेक्टर में अलग से कोई अडैप्टर नहीं लगता, इसके अंदर पावर सप्लाई इनबिल्ट है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैं पावर केबल लगा रहा हूँ। पावर केबल लगाने के बाद मेरे को पीसीबी के साथ उसको कनेक्ट करना है। पीसीबी में कनेक्ट होगी हमारी मेन स्क्रीन, क्योंकि लैंप जो है वो ऑलरेडी पावर सप्लाई में कनेक्टेड है। लैंप के आगे लगेगा देखिए वो वाला जो राइट साइड में रखा है, और यहाँ पे ये जो मेन स्क्रीन है ये कनेक्ट होगी हमारी पीसीबी में। तो पीसीबी को मैंने यहाँ पे फिलहाल में ऐसे ही कनेक्ट किया, क्योंकि मैंने सारे स्क्रूज जो ओपन किए, और पीसीबी पे जो मैंने स्क्रीन की वायर लगाई है उसको मैं लॉक कर देता हूँ वहाँ पे। तो अभी जो बॉक्स है इसको हमको क्लीन करना है। वैसे देखिए आप घर पे ये सब चीज़ें मत करना, क्योंकि इस तरह से क्लीन करने पे इस पर स्क्रैच आ सकते हैं और आपका प्रोजेक्टर जो है ख़राब हो सकता है। मैं तो आपको दे रहा हूँ एक डेमो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए डस्ट बहुत जल्दी पकड़ता है। तो ये जो बॉक्स है इसको मैंने जो है क्लीन कर दिया है। ये लैंप के आगे लगेगा, और इसके आगे लगेगा ये वाला मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैं इसको जो है यहाँ पर फिट कर देता हूँ। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगेगा इस बॉक्स के ऊपर, तो लैंप की जो लाइट आएगी वो इसके थ्रू पास होगी। इसके थ्रू पास होने के बाद में वो जो ब्लैक वाला ग्लास है ट्रांसपेरेंट, उसके थ्रू पास होगी वो लाइट। तो इस तरह से बन जाएगा ये एक पैनल। उसके बाद आगे लगेगी स्क्रीन। तो देखिए ये ऑन हो चुका है लैंप। अब इसके आगे मैंने लगाना है ये बॉक्स, बॉक्स के आगे लगाना है मैंने ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास। तो इस तरह की ये लेयर्स बनेंगी, और इनमें कोई भी हमें वायर कनेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि जो पावर मिल रही है वो लैंप को ऑलरेडी पावर मिल रही है। लैंप के आगे मैंने इस बॉक्स को लगा दिया है। अब लगाऊंगा इसके आगे में ये ब्लैक ट्रांसपेरेंट ग्लास, और फिर लगाऊंगा इसकी मेन स्क्रीन। तो लैंप के आगे मैंने बॉक्स लगा दिया है। अब ये जो मेन स्क्रीन है इसके साथ में ये इस तरह की रिबन वायर मिलती है, जिसको मैंने पहले भी दिखाया था कि मैंने लॉक कर दिया था, पर मैंने फिर से इसे निकाला है, और यहाँ पे मैं इसको फिर से जो है यहाँ पे लॉक कर देता हूँ अच्छे से, ताकि ये बार बार रिमूव ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके सारे पार्ट्स खोल चुका हूँ, इसकी प्लास्टिक की केसिंग हटा चुका हूँ। और मैं आपको डायरेक्ट डिस्प्ले के लिए दिखाना चाहता हूँ कि प्रोजेक्टर के अंदर किस तरह से डिस्प्ले हमको मिलता है। यहाँ पे ये वायर भी थोड़ी सी लूज़ हो रही है, तो इसको भी मैं भी सेट करता हूँ। और यहाँ पे देखिए पावर आ चुकी है, ये पैनल भी मैंने कनेक्ट किया, और मैं यहाँ से पावर ऑन करता हूँ, क्योंकि ये भी इसका रिमोट इस वक्त मेरे पास मैंने नहीं है। तो मैंने यहाँ से जैसे ही पावर ऑन किया तो लैंप में लाइट चालू हो गई है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैंने यहाँ पे फ़ैन जो है उसे कनेक्ट नहीं किया, और ये प्रोजेक्टर अभी से हीट होने लग गया है। और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास जो थोड़ा सा ब्लैक है इसको मुझे लगाना है लैंप बॉक्स के आगे। अब मैंने जैसे बोला कि मैंने यहाँ पे फ़ैन हटा रखा है और ये प्रोजेक्टर हीट हो रहा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है जब हम फ़ैन नहीं लगाते तो प्रोजेक्टर ख़राब भी हो सकता है। वैसे ये ख़राब नहीं होगा, ज़्यादा हीट होने के बाद में ये ऑफ़ हो जाएगा, जो ज़्यादातर प्रोजेक्टर्स के साथ में होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है इस ग्लास को भी प्लेस कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाला ग्लास मैंने अभी साफ़ किया था, मैंने इसको भी यहाँ पे प्लेस कर दिया है इस ग्लास को। तो यहाँ पे जो है बाकायदा जगह बनी हुई है प्लेस करने के लिए, इन लेयर्स को लगाने के लिए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आराम से मैंने इसको निकाल भी दिया था, बहुत ही आराम से मैंने इसे लगा भी दिया है। अब स्क्रीन दिखाते हैं आपको इसके आगे। तो ग्लास प्लेस हो चुका है और लैंप बॉक्स भी लग चुका है, स्क्रीन की वायर भी कनेक्ट हो चुकी है पीसीबी में। पीसीबी को मैं पीछे की तरफ जो है मोड़ देता हूँ, पीछे की तरफ रख देता हूँ, ताकि मैं इजीली आपको दिखा सकूँ। और मैं क्या करने वाला हूँ, अभी अपने लैपटॉप को कनेक्ट करने वाला हूँ इसके HDMI पोर्ट में, ताकि
इजीली जो भी मैं प्ले करूं वो आपको अब यहां पे सामने दिखने लग जाए। अब देखिए, मैंने जैसे बोला मैंने फ़ैन नहीं लगा रखा, ये बहुत ज़्यादा हीट होने लग गया है और इसकी वजह से मुझे ये भी डर है वीडियो बनाते समय कि ये बंद ना पड़ जाए, बंद पड़ेगा तो फिर शायद ये वीडियो बन नहीं पाएगी। ये 4D करेक्शन वाली की है जो यहाँ पे दे रखी है, तो स्क्रीन के आगे भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगता है। तो लेयर्स आप समझ गए होंगे, सबसे पहले लैंप है, लैंप के आगे पूरा वो बॉक्स का सेटअप है, बॉक्स के आगे एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक ग्लास है, उसके आगे मेन स्क्रीन है, मेन स्क्रीन के आगे ये कीस्टोन करेक्शन वाला अगेन एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये तार फिर हिल चुकी है, बंद हो चुका है। तो आप लेयर्स को समझ गए होंगे किस तरह से मैंने इनको जो है असेंबल कर दिया है। और यहाँ पे पीछे की तरफ पावर सप्लाई इसमें पहले से है, और अब मैं इसको जो है स्क्रीन की जो वायर है वो थोड़ी सी ठीक से नहीं लगी थी तो मैं उसको फिर से लगा रहा हूँ। और प्रोजेक्टर बहुत ज़्यादा हीट भी हो चुका है इसलिए मैंने इसको अभी जो है इसकी जो मेन पावर कॉर्ड है उसको मेन प्लग से अभी हटा भी दिया है। स्पीकर की वायर ऊपर राइट लेफ्ट साइड में निकल रही है, जिसको भी स्पीकर को जो है जो स्पीकर प्रोजेक्टर के अंदर है उसको मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया है PCB पे, क्योंकि अभी स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। और स्पीकर भी मैं आपको कनेक्ट करके अभी दिखा दूंगा और इसकी साउंड बाद में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मेरी PCB कनेक्ट हो चुकी है और ये टॉप वाला जो कवर है उसको भी मुझे कनेक्ट करना होगा, क्योंकि उसी में सारे बटन्स हैं मुझे ऑन करने के लिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको भी मैंने अब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं सामने से। तो यहाँ से मैं इसे करूँगा पावर ऑन। फाइनली अभी ऑन हो चुका है। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे ही यहाँ पे देखिए लाइट आई, अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ प्ले करके भी दिखाऊंगा वीडियोस वगैरह, तो यहाँ पे वीडियो उल्टा दिखाई देगा। उल्टा दिखाई देने के बाद ये जो पावर सप्लाई वाला एरिया, यहाँ पे लगा हुआ है एक मिरर जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था, उस मिरर के थ्रू जो है जो भी वीडियो या इमेज प्ले होगी प्रोजेक्टर पे वो मिरर में रिफ्लेक्ट होकर सीधी हो जाएगी और उसके बाद ये गोल वाले मेन लेंस से बाहर की तरफ फोकस होने लग जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो चुका है। अब मैं करता हूँ उस पर लैपटॉप कनेक्ट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से यहाँ पे स्क्रीन, क्योंकि जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था प्रोजेक्टर को ओपन किया था तो कई सारे लोगों ने ऐसी चीज़ें कमेंट्स में लिखी थी जो शायद वो वीडियो देखते नहीं हैं और बोल देते हैं। तो ये रही इसकी स्क्रीन, अभी कर रहा हूँ मैं इसको ऑन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है तो अब ये जो है इसका लैम्प ऑन नहीं हो रहा है। जैसा मैंने शुरू में कहा था ऐसा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे इसका फ़ैन कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ी देर ये कूल होने के बाद में ऑन हो जाए। और यहाँ पे ही प्रॉब्लम होती है जब फ़ैन काम नहीं करता, उसी वजह से जो है ज़्यादातर प्रोजेक्टर्स ख़राब हो जाते हैं। तो फ़ैन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, इसको कूल करना शुरू कर दिया है। विद इन 10-15 seconds ये अपने थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, क्योंकि मौसम भी इस समय अच्छा है। और उसके बाद में जो है ये स्क्रीन ऑन हो जाएगी, जो अब आप देखने वाले हैं। जैसे ही ऑन होती है मैं अब आपको दिखाता हूँ। हो चुकी है ऑन स्क्रीन, अभी मैं इस पर लैपटॉप कनेक्ट करूंगा, यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिखाऊंगा कि किस तरह से वीडियो यहाँ पे प्ले होता है। और यहाँ पे अंधेरे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रीन पे प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे किसी भी तरह के अंधेरे की ज़रूरत नहीं है। कितनी भी लाइट हो यहाँ पर वो डिस्प्ले दिख ही जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट जब होता है दीवार पर बड़ी स्क्रीन पर, क्योंकि स्क्रीन यहीं तक लिमिटेड है, स्क्रीन के आगे सारा काम लेंस करता है, तो स्क्रीन के आगे सारा काम जब लेंस करेगा और दीवार पे या प्रोजेक्टर स्क्रीन पे जब फोकस करेगा तो उसको वहाँ पे डार्कनेस की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी यहाँ पे तो हमें अंधेरे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी प्ले करेंगे वो हमको इस जगह नज़र आने वाला है। सबसे आगे जो 4D करेक्शन वाला जो यहाँ पे लेंस वाला जो ग्लास लगा है, इसको भी एक बार मैं हटा दूंगा ताकि आप देख सकें कि उसके बिना भी स्क्रीन में किस तरह की क्लैरिटी आती है। तो अभी मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप को जो है कनेक्ट करता हूँ, लैपटॉप पे कुछ वीडियो प्ले करता हूँ। HDMI के थ्रू मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, और लैपटॉप पे जो भी मैं प्ले करूंगा अब HDMI के थ्रू तो वो इस प्रोजेक्टर पे ऑब्वियसली प्ले होगा और वो नज़र आएगा आपको इस छोटी सी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक वीडियो प्ले किया है, मेरा खुद का शूट किया हुआ वीडियो है। तो देखिए यहाँ पे वीडियो आपको नज़र आ रहा होगा, और प्रोजेक्टर इस समय बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि उस समय जो है फ़ैन काम नहीं कर रहा था, फ़ैन मैंने बाद में लगाया। देखिए ये रही स्क्रीन, आप देख सकते हैं ये रही स्क्रीन, और यहाँ पे वीडियो प्ले हो रहा है बहुत ही आसानी से। मैं फिर से कह रहा हूँ ये चीज़ें आप घर पे मत करना, क्योंकि फिर स्क्रैच पड़ जाएंगे ग्लास पे तो फिर आपका प्रोजेक्टर ख़राब हो जाएगा। तो आपको ऑलरेडी मैं एक अच्छा डेमो यहाँ पे दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे वीडियो प्ले हो रहा है बहुत ही मज़े से, प्लांट्स दिख रहे हैं, और वो जो नीचे ब्लैक वाला एरिया है वो कोई स्पॉट नहीं है, वो गमला है, क्योंकि ये प्लांट का वीडियो है जो मैंने इस पर प्ले किया है, तो वो गमला है। ये देखिए ये रही स्क्रीन,
मैं स्क्रीन को पूरा बाहर निकालूंगा तो कुछ भी प्ले नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीन का पैनल जो है वो पीछे लैंप से जो लाइट आ रही है वो खराब हो जाएगा। तो जिस तरह एक LED TV काम करता है उसी तरह से ये भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो है मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है, लेंस लगा होता है, जिसके थ्रू इमेज जो है बड़ी हो जाती है। और देखिए यहाँ पे वीडियो प्ले हो रहा है और क्लैरिटी आप देख सकते हैं, कैमरा उतना जस्टिस नहीं करेगा लेकिन रियल टाइम में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अभी कोई और सैंपल भी आपको मैं दिखाता हूँ इस पर प्ले करके वॉइस के साथ में। अभी काफ़ी बढ़िया टेम्परेचर पे आ गया है प्रोजेक्टर, क्योंकि पहले हीट हो गया था और अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो स्क्रीन का जो है ब्राइटनेस और सही हो गया है, काफ़ी बढ़िया से चल रहा है। अभी यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन के आगे जो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा है कीस्टोन करेक्शन वाला, उसको भी मैं अभी हटा दूंगा। स्क्रीन पूरी बाहर निकालने के बाद में कुछ नज़र नहीं आएगा जैसा मैंने अभी बताया था, तो क्योंकि लैंप की लाइट नहीं मिल रही है स्क्रीन को, तो यहाँ पर मैं इसको वापस से जो अंदर जैसे ही लगाता हूँ तो वहाँ पर देखिए डिस्प्ले आ चुका है बहुत बढ़िया तरीके से। और ये वीडियो कौन सा प्ले हो रहा है, ये लैपटॉप पे प्ले हो रहा है वीडियो, तो मैं अभी लैपटॉप की झलक भी दिखा देता हूँ। और ये कीस्टोन करेक्शन वाला जो लेंस है आगे, मैं इसको अभी हटा देता हूँ ताकि आप इसकी क्लैरिटी जो है और अच्छे से देख पाएँ। तो ये कीस्टोन वाली रिंग भी साइड से बाहर आ गई है, तो इसको अभी मैं हटाता हूँ धीरे से। तो इसको मैंने अब हटा दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से आपको क्लैरिटी तो बढ़िया मिलेगी यहाँ पे। और अब क्योंकि मैंने फ़ैन कनेक्ट कर दिया तो मुझे किसी भी तरह की हीटिंग प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। और ये वीडियो बिल्कुल जैसे एक LED पे आपको नज़र आती है चीज़ें, उसी तरह से यहाँ पे ये LED स्क्रीन बनी है। बस यहाँ पे जो है ये उल्टा दिख रहा है और जो पावर सप्लाई वाला एरिया है उसके आगे जो मिरर लगा है उसकी मदद से ही ये आगे प्रोजेक्ट होगा आपके मेन लेंस पे और फिर आपके प्रोजेक्टर स्क्रीन पे या वॉल पे, जहाँ भी आप इसे प्रोजेक्ट करेंगे। और ये एरिया पे प्लास्टिक केसिंग लगी हुई थी ऊपर, जहाँ मैंने अभी हाथ रखा, जहाँ PCB लगी है, तो वो प्लास्टिक केसिंग भी मैंने अभी नहीं लगा रखी है। तो लाइट जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आँखों में लग रही है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर रूम में अंधेरा कर दिया है। मैं आपको अच्छे से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं बाद में कि इसमें ये हो गया वो हो गया। तो ये देखिए मेरा लैपटॉप साइड में है, जैसा मैंने बताया मैंने लैपटॉप में HDMI के थ्रू इस प्रोजेक्टर पे इसको कनेक्ट कर रखा है, तो आप देख सकते हैं ये HDMI केबल लगी हुई है इसमें मज़े से। और एंड में जब मैं इस चीज़ को, इस प्रोजेक्टर को बंद कर दूंगा तो मैं आपको दीवार पे भी दिखा दूंगा कि खोलने के बाद भी ये ऐसे कुछ ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि मैंने काफ़ी आराम से इसको खोला है और काफ़ी आराम से जो है मैं इसको फिर से बंद करने वाला हूँ। और जैसा मैंने जो कपड़ा इसमें यूज़ किया था ग्लास को साफ़ करने के लिए, वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, और माइक्रोफाइबर क्लॉथ वो होता है जिससे ज़्यादातर चश्मे वगैरह साफ़ किए जाते हैं सिंपल भाषा में। तो उससे आप जो अपने प्रोजेक्टर का जो बाहर वाला लेंस होता है मेन साइड वाला, ये रहा माइक्रोफाइबर क्लॉथ, राइट साइड में रखा है, तो इससे आप साफ़ कर सकते हैं जब भी चाहें। अब यहाँ पे जो है मैं अपना ये कीस्टोन करेक्शन वाला लेंस फिर से लगा देता हूँ, और ये PCB भी अब मेरे को हटानी पड़ेगी, और क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्पीकर कनेक्ट करना है तो PCB को भी मेरे को थोड़ा सा साइड करना होगा। तो अभी आप जो ऑडियो सुनेंगे वो इस प्रोजेक्टर के थ्रू सुनाई देगा, पहले लैपटॉप की आवाज आ रही थी। स्पीकर मैंने कनेक्ट कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ है वैसे इस प्रोजेक्टर की, लेकिन आप प्रोजेक्टर में स्पीकर्स तो कनेक्ट कर ही सकते हैं आप चाहें तो। तो इस तरह से काम करता है एक HD प्रोजेक्टर। चलिए तो मेरा जो एक वीडियो है मैंने अपना वीडियो भी प्ले कर दिया है ताकि आप देख सकें इसकी मेन क्लैरिटी। तो इस तरह से ये प्रोजेक्टर काम करते हैं, और फिर से कह रहा हूँ कि हर प्रोजेक्टर के अंदर अलग अलग तरीके का तामझाम होता है। यहाँ पे लेयर्स बनी हुई थी, ज़्यादातर लेयर्स बनी होती हैं, किसी में जो स्क्रीन होती है वो पूरी स्क्रीन बिल्ट होती है, इस तरह से ट्रांसपेरेंट स्क्रीन नहीं होती है। और ये रहा माइक्रोफाइबर क्लॉथ जिससे आप अपने लेंस को साफ़ कर सकते हैं, जो काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछते हैं, तो इस तरह का कपड़ा लीजिए अगर आपको अपने प्रोजेक्टर का लेंस साफ़ करना है। और ये जो नीचे वाला एरिया है, जिस जिसके पास भी इस तरह का प्रोजेक्टर है, तो इस तरह वाला काम मत करना जो मैं कर रहा हूँ, इस तरह से कपड़े साफ़ मत करना, स्क्रैच आ जाएंगे तो आपका जो प्रोजेक्टर है उस पर स्क्रैच आ जाएंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं स्क्रीन पे स्क्रैच का मतलब मज़ा खिरखिरा हो जाता है। तो ये चीज़ जो है कवर्ड रहे तो ही अच्छा है। और अब इसको फटाफट मैंने बंद कर दिया है और ये हो चुका है ऑन, अभी भी लैपटॉप से कनेक्टेड है। फ़िलहाल मैं इसे ज़मीन पर रखता हूँ और दिखाता हूँ इसकी क्लैरिटी कैसी है।
और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और प्रोजेक्टर ये रहा जमीन पे और बिल्कुल सही से काम कर रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, काफी आराम से मैंने इसको जो है आज असेंबल कर दिया है वापस। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।